फिर हम शुरू करते हैं। तो जब भी हम कक्षा में आएंगे, जी सिर्फ हम या फिर हम कहीं भी किसी से भी मिलते हैं, आजकल हम लोगों ने चालू किया है कक्षा में भी और बाहर भी, कि जब भी मिलते हैं किसी से बात होती है तो हम हमेशा आजकल नमो नमः कहते हैं। आपको दिखेगा स्क्रीन पे, मैं लिख भी रहा हूँ, नमो नमः। अब ये जो पेज बना हुआ है ये पिछले हफ्ते की पहली क्लास का ही है, तो वो कक्षा हम लोग असल में फिर से करने वाले थे जो कि आज का दिन है, तो इसीलिए ये पेज आपको पहले से बना हुआ दिख रहा है। पर हम संस्कृत के बारे जी में पहले थोड़ी सी बात करते हैं कि यदि संस्कृत किसी ने भी सीखी तो वो सिर्फ एक भाषा नहीं है। और पहले तो मैं आपसे ही पूछता हूँ कि आप अपना परिचय देना चाहेंगी चारुलता जी, फिर हम मैं आगे बताता हूँ। जी बिल्कुल, हाँ जी हाँ, मैं 72 साल की हूँ, 72 years old, 72। हाँ मैं BSc हूँ, 74 बैच की, हाँ 1974 में BSc किया था केमिस्ट्री और बॉटनी में। लेकिन मेरे को संस्कृत में बहुत ज्यादा रस है क्योंकि हम स्वाध्यायी हैं। पांडुरंग शास्त्री आठवले का नाम आपने सुना होगा, जय योगेश्वर का, पांडुरंग शास्त्री आठवले, अठवले जो जी, पढ़ने चलता है स्वाध्याय, हाँ, वो हाँ, उसको मैं बहुत परिचित हूँ उसी से। और मैं अच्छा 22 साल की थी ना, तभी से मैं जाती, अभी भी जाती हूँ। अभी कोरोना की वजह से बंद है, लेकिन 22 साल की थी तभी से आज तक मैं हमेशा गई। मैंने खूब प्रभु कार्य भी किया है, भगवान का काम, महिला केंद्र, बाल संस्कार केंद्र, और दादाजी को हम, उसको हम दादाजी बोलते हैं, पांडुरंग शास्त्री जी को, उनके अच्छा में डिस्कोर्सेस होते हैं गीता पर एवरी वेडनेसडे। तो मैं 22 साल की थी ना तभी से मैं सुनती हूँ, तो मेरे को अरे गीता वाह, का सब मालूम है, 18 अध्याय सब मालूम है उसकी थ्योरी। मैंने एग्जाम भी दिए दो, पहली अच्छा होती है अच्छा जिज्ञासु और दूसरी ज्ञाता। अभी प्रवेशक देने की थी लेकिन ये कोरोना की वजह से वो अरेंज नहीं हो पाई तो नहीं दी है। उसमें बहुत अच्छा सारे पुस्तक, तो ये मतलब मेरे संस्कृत बहुत प्रवेश, पसंद है, मेरे को संस्कृत बहुत अच्छा लगता है हमको, लेकिन हाँ ग्रामर नहीं आता है, नो ग्रामर, खाली हाँ ट्रांसलेशन लंदन हाट करते हैं, बस लंदन हाट करते हैं, ट्रांसलेशन सीखते हैं, उसकी समरी देखते हैं, लेकिन ग्रामर बिल्कुल नहीं आता है हमको। मेरे को हाँ था SSC में, 11th बोर्ड की एग्जाम थी ना, 11th हमारे जमाने में, तो मेरे को 85 मार्क्स आए थे संस्कृत में, 100 में से, लेकिन वो भी ट्रांसलेशन में ही खींचे थे सब, ग्रामर आता ही नहीं है बिल्कुल। तो अच्छा ग्रामर भी मेरे अच्छा को हो सीखना है। जाएगा, ग्रामर भी हो जाएगा। हम लोग इसलिए ही बात कर रहे हैं क्योंकि इस कक्षा में संस्कृत बोलना लिखना पढ़ना सब सीखते हैं, तो उस तरह से हम नहीं अच्छा सीखते हैं जिसमें स्कूल के बच्चे सीखते हैं, क्योंकि उसमें किताब जैसा बिल्कुल एक बार में 50 शब्द मिल गए और उनका अर्थ समझो, ऐसा नहीं होता। तो हम लोग ऐसी संस्कृत सीखेंगे जो कि आप कक्षा के बाद तुरंत घर पे या बाहर किसी से भी तुरंत आप बातें भी कर सकती हैं, तो वो बिल्कुल काम की संस्कृत होगी जो हर दिन काम आ सकती है। तो उसकी मदद से ही हम व्याकरण भी सीखेंगे, उसकी मदद से हम मात्राएं भी सीखेंगे, लिखना बोलना सब कुछ सीखेंगे धीरे धीरे। तो हम कोशिश करेंगे, और मैं अंशु सिंगारे और मैं संस्कृत और योग शिक्षक भी हूँ, और मैं एक कॉरपोरेट ट्रेनर भी हूँ। वो मतलब कई सारी कंपनियों में जहाँ भी ज़रूरत होती है, वो तो पूरी दुनिया में पड़ती है, तो मैं कई सारे विषय जो हैं लोगों को सिखाता हूँ उनके यहाँ पे जाके। तो मेरी यात्राएं काफ़ी होती हैं, पर अभी तो कोरोना के कारण रुका हुआ, बंद है सब कुछ, पर घर से चल रहा है अभी सब कुछ ही, ज़्यादातर घर से चल रहा है, तो काम ऑनलाइन और हाँ ऑन आप चल रहा हैदराबाद है? हैदराबाद में है, कहाँ है। है आप? मैं पुणे में, पूना? अच्छा, मेरा बेटा पूना रहता है, चिंचोड़ पिपरी।
अच्छा मैं अभी 10 महीना रह आई थी वहां। और बढ़िया। दूसरा तो आपने ये देखा है कि तो दूरदर्शन पे जो संस्कृत का प्रसारण आता है? नहीं, वो नहीं देखा है, लेकिन आपका पहला पिक्चर था ना हाँ वसुधैव कुटुंबकम, हाँ और हाँ वो काका पीका पीका, वो मैंने पूरा अटेंड किया। बहुत अच्छा, अच्छा, उस वाले में मैं थे बहुत क्या? सालों से देखने से कहीं कहाँ आता है वसुदेव कुटुम्बकम, कौन से श्लोक में आएगा, लेकिन मेरे को मिला। मेरे पास एक भंडार होता है ना, क्या उसका, श्लोकों का भंडार, वो भी मेरे हाँ पास एक छोटे से है, हाँ अच्छा, सुभाषिता और नीति वो स्कूल में भी बिस्तरे। था। स्वाध्याय में है ना एक बागभूषणम करके किताब है, छोटी बच्चों का कोर्स है। स्वाध्याय नचिकेता बाल संस्कार केंद्र स्वाध्याय में मैंने 20 साल लिया बच्चों का, तो उसमें एक कोर्स है, 100 श्लोक है, बाघभूषणम, वाणी का भूषण उसका नाम है। तो अच्छा, उसमें जो भी श्लोक है वो मेरे को सब आते हैं उसके अरे थियोरी के वाह। साथ। मैंने केंद्र लिए ना बच्चों के, इसीलिए हाँ, तो तो ठीक है, अभी तो आप बहुत अच्छा है। सिखाएंगे। आपसे कभी कभी आपके वाले श्लोक भी हम पूछ लेंगे, समझ लेंगे, क्योंकि हाँ एक पूछना पूछना। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, आप ग्रुप में भी कभी भी लिख के भेज सकती हैं, तो फिर हम अगले बार उस श्लोक को ले लेंगे, वैसा भी कर सकते हैं। अभी मैं एक गृह कार्य देने के भी सोच रहा हूँ हर कक्षा में, कि एक श्लोक हम उठाएंगे और उसको हर किसी को खुद से पूरा बोलना है और उसको समझाना है। तो एक बार हम पूरा का पूरा करेंगे कक्षा में, और बाद में फिर लोग अपने हिसाब से, उनको जो समझ में आया उस हिसाब से वो बताएंगे। हाँ जरूर जरूर। तो हाँ करेंगे मेरे धीरे को आना धीरे। चाहिए। और कक्षा में जब भी मैं कुछ यदि आपसे पूछूंगा, या और भी छात्र होंगे भी धीरे धीरे जो जुड़ रहे हैं, तो कोई भी कुछ पूछता है और आपको यदि कहना है हाँ, तो आप हाँ की जगह आम कह सकती हैं। आम का मतलब है हाँ संस्कृत में, आपको अभी स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। अच्छा, तो आप आम अंशु कह सकती हैं, आम आचार्य कह सकती हैं, या आम जो भी आपको कहना है, आम शिक्षक कह सकती हैं, मेरा नाम लेना है, आप जिस तरह से बोलना चाहें बोलें, पर आम उपयोग करेंगे हम संस्कृत कक्षा के अंदर। जरूर जरूर। और जब भी हम, क्योंकि कई सारे छात्र होते हैं, विद्यार्थी होते हैं कक्षा में, तो ये जो लिखा हुआ है सर्वेशाम नमो नमः, सर्वेशाम मतलब सबके लिए, सबको, और नमो नमः तो आप समझती हैं, हाँ, नमो नमो। सभी को नमस्कार। तो सर्वेशाम नमो नमः, हम जब भी कक्षा में आते हैं या फिर कक्षा से जाते हैं उस समय हम कह सकते हैं। आजकल तो हम हर जगह कहते हैं, मतलब वो सिर्फ कक्षा की बात नहीं, पर जहाँ भी कभी किसी से मिले तो नमो नमः, सर्वेशाम नमो नमः, यही उपयोग होता है। तो धीरे धीरे आदत हो जाती है, तो फिर मज़ा आता है, क्योंकि जितना उपयोग में आएगा उतनी भाषा बढ़ती है। हम जय योगेश्वर बोलते हैं। योगेश्वर शब्द गीता में आता है ना, 5 बार आता है। हाँ जब कृष्ण ने गीता सुनी तब वो भगवान नहीं था, वो योगी योग में चला गया था, तो योगेश्वर है। तो हम जय योगेश्वर बोलते हैं, जय आमने सामने योगेश्वर। मिलते हैं ना, जय योगेश्वर। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। कृष्ण का तो ही नाम है योगेश्वर, गीता में 5 बार आता है वो, पूरी हाँ गीता में 5 बार आता है। हाँ योगेश्वर कृष्ण जी को ही कहते हैं, तो वो तो मैं समझ गया, आपने जैसे ही जय योगेश्वर बोला तो कृष्ण जी के लिए होता है। तो अब हम सबसे पहले लोग एक आज बार ओम का उच्चारण समझेंगे। शायद आपको ये पहले से पता होगा, इसको आप कैसे बोलते हैं, ये जो लिखा हुआ है ओम? हाँ क्या, ये ओम लिखा हुआ है ना यहाँ पे, मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ स्क्रीन पे, ये देखिए। हाँ जी। तो ये जो ध्वनि है, ये असल तीन अक्षरों से मिलके बनी है, उसमें से दो स्वर हैं और एक व्यंजन है। उ और म। तो ये
तीनों जो स्वर हैं, शुरू के जो दो स्वर हैं अ और उ, और म जो है व्यंजन है, ये हमारे जब हम इसका उच्चारण करते हैं, और अभी मैं आपसे करवाऊंगा 1-2 मिनट में, पहले उसके बारे में बता देते हैं। तो जब भी ये हम उच्चारण करते हैं, ये तीनों अक्षर शरीर के अलग-अलग भाग से उनकी आवाज निकलती है। तो यदि आप अ को बोल के देखेंगी, तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा तस्वीर भी बनाई है, दाईं तरफ आपको स्क्रीन पे दिखेगा कि हाँ जो ओम का, ओम की ध्वनि है ये, आपने, आपको 7 चक्रों के बारे में हमारे शरीर में जो होते हैं वो पता होगा शायद। तो आपने चक्रों के बारे में सुना है? अभी सुना था वो आनंदमय कोश, फिर अपना मनोमय कोश, प्राणमय कोश, वो सब कृष्णा सीरियल में आए थे। मैंने पहले भी पढ़ा है लेकिन अच्छा याद नहीं था। लेकिन अच्छा तो वैसे हमारे शरीर में चक्र होते काफी सारे हैं, 114 होते हैं, पर उनमें से प्रमुख जो चक्र हैं वो आपको यहाँ पे जो पीले बिंदु बने हुए दिख रहे हैं उनमें दिख रहा है कि पहला चक्र जो है उसको मूलाधार कहते हैं, और फिर अगला जो है स्वाधिष्ठान है जो हमारी नाभि के आसपास है। तो जो ओम में अ की आवाज है, अ का स्वर है, वो नाभि के आसपास से आपको निकलता हुआ प्रतीत होता है। तो अभी आप आंखें बंद कीजिए मेरे साथ और हम सिर्फ अ का उच्चारण करके देखेंगे, और आप तो अभी आप सिर्फ अ का यदि उच्चारण करके देखेंगी तो मैं आपको 10-20 10 सेकेंड देता हूँ, तो आपको लगेगा कि वो नाभि के आसपास से वो आवाज़ निकल रही है। वो आवाज़ ऊपर की तरफ बढ़ती है शरीर में, वो हमेशा होता है, पर नाभि के आसपास से निकलती हुई, वहाँ से उजागर होती हुई आपको महसूस होगी, अनुभव होगा। तो एक बार फिर से कोशिश करके। ठीक है। तो हाँ आज जिस समझ तरह से अ की ध्वनि नाभि गए। के पास स्वाधिष्ठान चक्र के आसपास से निकलती है, उसी तरह से जो ऊ की ध्वनि है, ये आपको हमारे जो हृदय होता है, जिस चक्र को अनाहत चक्र भी कहते हैं, हृदय, तो हृदय के पास से निकलती हुई प्रतीत होती है। तो जब हम ऊ का आवाज निकालेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ ऊपर से आवाज आ रही है, हृदय के पास में से। तो अब आंख बंद करके एक बार वो कोशिश करेंगे। हृदय में से आई। हाँ हृदय के आसपास से निकलती हुई पता चलती है, और यदि, पता चलता हाँ, और जब हम पूरा अ उ म एक के बाद एक उच्चारण करते हैं, तो आपको ये भी समझ में आएगा कि वो आवाज का जो उद्गम है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठता है, क्योंकि अ जो है नाभि के पास से, फिर उ जो है हृदय के पास से, और म जो है आपको गले में से, कंठ में से निकलती हुई समझ में आएगी। तो एक बार, ये बोलते म भी ट्राई करेंगे। बोलते
और माँ को हमेशा मुंह बंद करके ही बोलना है, कभी वो आओ मैं आखिरी में माँ जो है हाँ जी बोलते हैं। तो अब हम पूरा ओम बोल के देखेंगे, तो आवाज जो है पूरी नीचे से ऊपर आपको जाती हुई महसूस होगी धीरे धीरे। तो मतलब थोड़ी देर, 2-3 सेकेंड अ, फिर 2 सेकेंड वो, फिर 2 सेकेंड एक साथ। अभी मैं हाँ जी चालू करता हूँ, फिर आप भी बोल के देखिए। ठीक है, आया समझ। तो अब ये बोलने के बाद यदि आप 2-3 बार भी बोल के देखें तो आपके शरीर में अपने आप ऊर्जा का संचार होता है। तो हाँ जी इसका मतलब ये है कि जब भी हम ओम का उच्चारण करते हैं तो शरीर में अपने आप ऊर्जा भर जाती है, मतलब हम शरीर की ऊर्जा को सही दिशा दे देते हैं उस समय के लिए। तो आपने यदि देखा होगा कि कुछ लोग कागज़ पे लिखते समय या कहीं भी कुछ भी लिखने के समय शुरू में ओम लिखते हैं कागज़ के ऊपर, तो अब उसको यदि उच्चारण करेंगे साथ में लिखते समय तब फायदा है, क्योंकि ओम के साथ कोई भी चीज़ यदि आप शुरू कर रहे हैं तो उसका फायदा ये है, उसका लाभ ये है कि आपके शरीर में उस समय ऊर्जा जो है बढ़ जाती है जब भी हम ओम कहते हैं। इसलिए भी हमारे बहुत सारे मंत्रों में और श्लोकों में आपको ओम बहुत जगह मिलता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे, शंकर जी के मंत्र हैं, पार्वती जी के गौरी के हैं, ओम शिवाय के गौरी, फिर गायत्री माता, तो ओम नमः शिवाय, तो आपको ओम हर जगह मिल जाएगा। क्योंकि उससे शुरुआत करने से फायदा यह है कि ऊर्जा अपने आप बढ़ जाती है शरीर के अंदर। तो इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने ओम जो है इतना आसान और इतना ज्यादा सबको बता दिया कि हर कोई आराम से कभी भी कह सकता है। आप 50 बार कहिए, 100 बार कहिए, जितनी बार बोलेंगे उतनी बार शरीर में ऊर्जा बढ़ती जाएगी, अच्छी रहेगी। भगवते वासुदेवाय, बहुत ओम मैं भगवते करती हूँ आपसे। वासुदेवाय नमः। बिल्कुल। तो अब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि यदि आपको महाशिवरात्रि, आपको पता होगा कि फरवरी मार्च के आसपास महाशिवरात्रि आती है, तो महाशिवरात्रि का जो महत्व है वो किस लिए है? उसमें पूरी रात जागते हैं ना, हाँ, पूरी तो वो रात क्यों करते हैं? पारायण करके तो हमको हमारी शिवरात्रि हो गई समझो, तो हमारे में शिवत्व आएगा। शिव का मतलब है कल्याण, तो शिवरात्रि हमारा कल्याण होगा, हमारा हाँ, जीवन कल्याण में होगा, इसीलिए पूरी रात जगना चाहिए उस रात को। लेकिन पहले मैं जगती थी छोटी थी, तो अभी मैं बड़ी हो गई तो मैं नहीं जग सकती अब, तो मैं अच्छा खाली अच्छा स्टोरी में, तो पढ़ते हैं स्टोरी उसकी। हमारी एक हाँ किताब है तो पूजन स्वाध्याय की, वो हमारी टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक अच्छा एक है प्रार्थना प्रीति, में उसमें सब स्तोत्र है प्रार्थना प्रीति, उसमें सब शंकराचार्य वल्भाचार्य राम रखा वो सब स्तोत्र है बहुत सारे। और दूसरी एक किताब है स्मृति पूजन, उसमें सब फेस्टिवल और प्रतीक है सब। हाँ इनकी अच्छा जो तो महाशिवरात्रि का महत्व इसलिए सब है, जैसे आपने कहा कि कल्याण होगा, तो वो कल्याण होगा वो लोगों को समझने के लिए, क्योंकि ज्यादातर लोगों को थोड़ी गहरी बातें जो हैं थोड़ी मुश्किल से या समझने में समय लगता है। तो उसका असली कारण ये है कि जो अभी हमने किया ओम की मदद से, अपनी ऊर्जा को जो हमने नीचे से ऊपर लेके आए, तो महाशिवरात्रि के दिन पूरी पृथ्वी अपने आप मदद करती है आपके शरीर की ऊर्जा को नीचे से ऊपर लाने में। तो इसलिए उस दिन बैठे रहने का या खड़े रहने का, खड़े रहने से आसान है, बैठना नहीं, पूरी रात जागना है हमको, तो इसलिए इसका बहुत महत्व है। क्योंकि उस दिन ये जो ऊर्जा है वो प्राकृतिक रूप से नीचे से ऊपर निकल आती है, पृथ्वी मदद करती है।
तो इसलिए उसको ऋषि मुनियों ने वो कल्याण के शब्द से जोड़ दिया है ताकि आम आदमी को समझ में आ जाए कि भाई कल्याण होगा, ऐसे बोल दिया या कह दिया कि शिव पार्वती जी की शादी हुई थी, उस विवाह हुआ था उस दिन, तो किसी भी महत्वपूर्ण चीज से जोड़ दिया। तो अब क्या है कि लोग अपने आप ही जगेंगे और जगने से जो ऊर्जा वाला फायदा है वो अपने आप मिल जाएगा। तो वो जो कल्याण होगा हम कहते हैं वो असल में यही कल्याण है कि आपकी ऊर्जा अपने आप बढ़ने लगती है। तो ये ओके ओके तो महाशिवरात्रि का ये फायदा है। अब वैसे शिवरात्रियां जो हैं हर महीने आती हैं, अमावस्या के पिछला दिन जो होता है 14 जिसको कहते हैं कहीं कहीं पे चतुर्दशी, तो वो भी शिवरात्रियां ही होती हैं, हर महीने होती हैं। लेकिन महाशिवरात्रि पे सबसे ज्यादा शक्तिशाली ऊर्जा का संचरण होता है, तो उस दिन सबसे ज्यादा फायदा है यदि हम जगते हैं। तो मैं तो पिछले 3-4 साल से जब से मुझे इस बारे में पता चला है कि शिवरात्रि का क्या महत्व है, मैं हमेशा हर शिवरात्रि को महाशिवरात्रि पे पूरा अच्छे से, शाम कई जगहों पे बड़े बड़े आयोजन भी होते हैं, पूरी रात भर के आयोजन होते हैं, तो ऐसी जगह पे हम चले जाते हैं तो फिर अपने आप ही जगना हो जाता है क्योंकि काफी सांस्कृतिक कार्यक्रम रहते हैं, बहुत कुछ होता है वहाँ पर। एग्जैक्टली हाँ, तो अब मैं एक छोटे से वाक्य से चालू करूंगा, तो हम उसकी जरा सी अभ्यास कर लेंगे तो और आपको समझेगा। तो मैं एक बार बोलता हूँ फिर मैं आपसे पूछूंगा, आप समझ जाएंगी। आम बोलूंगी आम आम मम नाम मम अंशु, भवत नाम चाकता हाँ तो वो आप तब बोलिए जब मैं पूछूंगा। तो मम नाम अंशु, भवत्याः नाम किम्? नाम चारुलता और अभी कक्षा में दूसरे लोग तो नहीं हैं तो आप वापिस मुझसे पूछ सकती हैं। तो जब लड़की की बात होगी तो भवत्याः, और लड़के से यदि आप पूछ रही हैं तो भवतः। बाकी वही रहेगा, भवतः नाम की या भवत्याः नाम की। किम नाम भवता मम नाम अंशु। तो ये आपने एक बड़ी अच्छी चीज की कि मैं नाम भवतः में संस्कृत में ये सबसे बड़ी खूबी है कि सुंदरता है संस्कृत की कि कोई भी शब्द को आगे पीछे कर दीजिए वाक्य का अर्थ वही रहता है। पहले लेक्चर में था कि कोई भी प्रकार से पूछ सकते हैं, वर्ब भी हाँ पहला है, नाउन भी पहला है, प्रोनाउन भी, वर्ब पीछे भी आए, वो मैं देखा था, वो जो हुआ था वसुधैव कुटुंबकम का, उसमें वो था, तो मैंने पूरा स्टडी किया था वो। अच्छा, वो वाला आपने देखा था, बहुत बढ़िया। तो हाँ कोई भी शब्द को हम आगे पीछे भी कर सकते हैं, तो किम नाम भवतः, भवतः नाम किम, या नाम किम भवतः, आप किसी भी सूची में बोलिए वो उसका मतलब एक ही रहेगा। मिरेकल है, ये मिरेकल है, कोई भी प्रकार से पूछो। हाँ, तो इसीलिए भी कई सारे बाहर के वैज्ञानिक जो आजकल संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं उनको ये भी समझ में आ रहा है कि संस्कृत जितनी परिष्कृत भाषा, मतलब इतनी एडवांस्ड भाषा दुनिया में और कुछ नहीं है। तो उसको अभी क्या होता है कि आपने जैसे अंतरिक्ष में कई लोग भेजे जाते हैं कभी कभी खोज करने के लिए, तो ये लोग जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो उनसे बात करने के लिए या उनसे संवाद करने के लिए उनको लिख के या फिर बोल के संदेश भेजते हैं। हाँ जी तो अब वो पृथ्वी यहाँ पे है और यहाँ अंतरिक्ष में उनका वो जो भी रॉकेट है या जिसमें भी वो बैठे हैं
वो कहीं तो बहुत दूर है। तो है। अब उनको जो संदेश भेजते हैं वो बोल के या लिख के जो भेजे हैं, लेकिन किसी भी और भाषा में यदि भेजते हैं, अंग्रेजी में या जिस भी भाषा में, ज्यादातर अंग्रेजी होती है, तो उसमें क्या होता है कि जब इतनी दूर तक संदेश जा रहा है तो उसमें उसके अनुक्रम बदल जाते हैं, जो भी उनने शब्द भेजे हैं उनके क्रम कई बार बदल जाते हैं या पलट जाते हैं। तो अब जिसको वो संदेश मिला उसको वो समझ में नहीं आता, क्योंकि वो अंग्रेजी में पढ़ रहा है, और उस अंग्रेजी में क्या है कि यदि आपने भवता नाम किम की जगह किम मा नाम भवता कर दिया तो वो अंग्रेजी में उसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो ये बाकी सारी भाषाओं में कमजोरी है। तो अब वैज्ञानिकों ने ये समझा कि क्यों हम संस्कृत को ऐसे वाले संदेशों के लिए भी बहुत आराम से उपयोग कर सकते हैं, जब हमको बहुत दूर तक भेजना है और कौन सा पहले पहुंचेगा, कौन सा शब्द बाद में पहुंचेगा, उनको नहीं पता रहता, तो संस्कृत सबसे आसान है भेजने के लिए, क्योंकि इसमें वो पलट भी जाए तो उसका मतलब नहीं बदलता। बराबर है। तो वो मैंने इसलिए अभी है ना एक तो मैं, हाँ आप हाँ बोलिए बोलिए। बोलिए। मैंने एक ये देखा था अभी, एक मेरे को ये ऐसे मैसेज में आया था वीडियो में कि अभी है ना वो बोलने वाला कंप्यूटर निकालने वाला, पढ़ने का नहीं बोलने सुनने का, तो अच्छा उसमें सब लैंग्वेज डाली ना तो वो सक्सेसफुल नहीं गई, लेकिन संस्कृत डाली ना तो वो सक्सेसफुल गई। इनपुट कम और आउटपुट ज्यादा, कम डालो ज्यादा निकलेगा। तो फिर वो बोले कि ये साउथ के जो साउथ में बहुत है ना आपके यहाँ, हाँ मतलब ये हैदराबाद साउथ में बहुत ज्यादा संस्कृत चलता है, गुजरात महाराष्ट्र से वहां बहुत सब, हमारे शंकराचार्य भी वही हुए है ना, बहुत सारे हाँ आचार्य वहीं से हैं। तो ऐसे बोला कि अभी क्या हो गया है, एक ये दुख की बात है कि जो जिसको कंप्यूटर आता है उसको संस्कृत नहीं आता है, और जिसको संस्कृत आता है उसको कंप्यूटर नहीं आता है। तो अभी ऐसे युवा लोगों को तैयार करो कि संस्कृत भी आए और कंप्यूटर भी आए, तो ही उसका फायदा है ना, बोलने वाले हाँ तो कंप्यूटर हमको तो सब का। आता है, और हम हमारे साथ वाले ऐसे बहुत सारे लोग अभी तैयार हो रहे हैं जिनको कंप्यूटर भी आता है, संस्कृत भी आते हैं। तो अच्छा अच्छा वो युवान करके वो कुछ काम कर रहे हैं, संस्कृति का काम कर सकेंगे वो लोग, हाँ हमारी हाँ संस्कृति बिल्कुल काम करेंगे वो लोग। कर रहे हैं, और मतलब चालू काफी चालू हो गया है, क्योंकि हम लोग फोन पे, मोबाइल पे, कंप्यूटर में, हर जगह अब संस्कृत का खूब उपयोग करते हैं। तो अच्छी चीज़ है जो आप कह रही हैं, और वैसे भी दुनिया की 100 से ज़्यादा भाषाएं संस्कृत के ऊपर आधारित हैं, ये मैंने यहाँ पहले पेज पे भी लिखा था। संस्कृत आदि है, ग्रैंड मदर है, ग्रैंड मदर में से सब हाँ निकली है तो लाइन। संस्कृत तो हम बिल्कुल लोग क्या जननी ऋषि भाषा कुल है। बोलते हैं स्कूल को, क्या ऋषि कुल बोलते हैं, ऋषि कुल, तो हाँ हाँ ऐसे स्कूल से आते हैं तो उसी में से निकला है ऋषि कुल। स्कूल स्कूल क्या इंग्लिश अरे शब्द है, लेकिन ऋषि कुल में से निकला है। अरे वाह, ये तो आपने आज नई बात बता दी मुझे, बड़ा अच्छा हो गया, ऋषि कुल स्कूल। अब मैं बहुत इस सारे शब्द है, वैसे बहुत सारे हैं हमारे हाँ स्वाध्याय में, क्या मालूम है आपको, ये साइलेंट एंड सिंगिंग रिवॉल्यूशन है स्वाध्याय, हाँ साइलेंट एंड सिंगिंग। तो उसमें हमारी बहुत सब चलता है, नचिकेता बाल संस्कार केंद्र, पची युवती केंद्र, युवा केंद्र, महिला केंद्र, स्वाध्याय केंद्र, और दादाजी का प्रवचन गीता पर, और उपनिषद के भी प्रवचन होते हैं, तो वो सब अच्छा में से हमको ये सब सीखने को मिलता है, सब अच्छा अच्छा ऐसे बहुत जानकारी बढ़िया। मिलती है। संस्कृत दैवी भाषा है, डिवाइन लैंग्वेज है, वो डेड लैंग्वेज नहीं है, मरी नहीं, मर नहीं गई है, डेड लैंग्वेज नहीं, डिवाइन लैंग्वेज है। डेड तो कभी और हम होने उसमें ही नहीं से देंगे। सब रशिया, रशियन भाषा, फ्रेंच, कितनी भी भाषाएं दुनिया की है ना, वो इसी में से निकली है, संस्कृत में से। और हाँ संस्कृत का पालन करेंगे ना ज्यादा से ज्यादा, तो हमारे 72 जन्मों के पाप जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, कितना भी पाप हमने किया वो संस्कृत पालन से नष्ट हो जाते हैं। और उसमें इतना शक्ति भी रहते हैं, जितना संस्कृत बोलेंगे ना उतना हमारे डाइजेशन सिस्टम भी अच्छी होती है, क्योंकि सब अंदर का मेटाबॉलिज्म फूट जाता है ना, तो हमको सब हाँ खाना ज्यादा भूख लगती है। एक त्रिसूत्र पढ़ा करके है ना, एक है भज गोविंदम है ना शंकराचार्य का, चरपट पंजरी का, और त्रिसूत्र पढ़ा,
वो हम मैंने कैंप ऐसे में स्वादिया की, तो उसने हमको खाने के पहले यही बोला था, 3 बार बोलने के बाद नहीं खाने को मिलता, फिर इतनी भूख लगती है, अच्छे अच्छा से खा। तब ये छोटे ही थे, अच्छा सारी साथी थी हाँ इन्हीं का, तो विद्यापीठ है, तब तो विद्यापीठ है थाना, मानपाड़ा रोड पर थाना, हाँ थाना में इनकी रिसेप्शन भी है, तो वहाँ खाली बॉयज को ही रखते हैं, हर साल बॉयज होते हैं वहाँ, वो अलग अच्छा कक्षा, पूरी दुनिया की संस्कृति सिखाते हैं, पूरी दुनिया की अच्छा संस्कृति सिखाते हैं वहाँ, अच्छा वहाँ सब सिखाते, प्लेटो सब, फिर ठीक ये है शाकुंतल सिखाते हैं, शेक्सपियर का सिखाते हैं, सब कुछ सिखाते हैं। तो अच्छा अब लड़कियों को नहीं लेते, लेकिन खाली 2 बार दादी जी ने लिया था, 72 73 में लड़कियों को वहां रहने का, 1 8 10 दिन तक, तब हमको बहुत ज्यादा वहां से मिला सब कुछ अच्छा अच्छा मिला। अच्छा अच्छा और मैं तो चलिए जाती हूँ तो अब हम कैनेडा, अगला वाक्य करके अगला देखते हैं। करेंगे संस्कृत, हम तो करिए करिए। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मेरी जवनिका पे दिख रहा होगा, मम जवनिका। जवनिका मतलब स्क्रीन या कोई भी पर्दा। तो अहम संस्कृतम पठामि, बराबर, किम पठसि त्वम, किम पठसि त्वम चारुलता जी। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किम पठसि त्वम चारुलता जी। कैसे पढ़ते हैं ऐसा, कैसा लगा? नहीं, किम मतलब क्या, तो आप क्या पढ़ रही हैं। तो जिस चीज का मैंने यहाँ उत्तर भी लिखा है खुद खुद से ही, मैं वही चीज आपसे यहाँ नीचे पूछ रहा हूँ। तो अब आप भी अहम वही। संस्कृतम पठामि, हाँ अहम संस्कृतम पठामि, हाँ बराबर है। हाँ बिल्कुल बराबर है। तो जब आप अहम शब्द का उपयोग करती हैं, मतलब मेरे लिए, अहम मतलब मैं, तब हम हमेशा जो भी क्रिया है उसके साथ आमी, पठामी, लिखामी ऐसे उपयोग करते हैं। अच्छा। लेकिन जब मैंने आपसे पूछा त्वम, तो मैंने ये पूछा कि आप क्या पढ़ती हैं। तो जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो देखिए मैंने पठसी उपयोग किया है। आपको ये अंतर ध्यान में रखना हाँ है समझ में आया। ना। तो जब भी हम सामने वाले से पूछ रहे हैं तो पठसी, लिखसी, जो भी क्रिया शब्द है उसके आगे सी लगाते हैं। और बराबर, जब मेरा खुद का बारे में बता रहे हैं तो हम आमी। अम्मी मी अम्मी तो अब मैं आपसे एक और बताता हूँ, हम, और अब हम थोड़ा सा आगे पीछे भी कर देंगे, हम लिखामी संस्कृतम, किम लिखसि त्वम चारुलता जी। अहम तब आपको जवाब देना है। लिखसी संस्कृतम, अहम के साथ क्या लगेगा, आप अहम, लिखसी जब आप अहम के साथ बोल रही हैं तो आपके आपको अहम के साथ लिखामी बोलना होगा। जब मैं आपसे पूछ रहा अच्छा हूँ तब आप, जैसे आप मुझसे पूछिए कि किम लिखसि त्वम, जब त्वम के साथ हम उपयोग कर रहे हैं तो लिखसी पठसी आ रहा है, लेकिन अहम के साथ जब हम उपयोग करेंगे तब लिखामी पठामी आएगा। मी बराबर। तो मैं आपसे फिर से पूछता हूँ, अहम लिखामी संस्कृतम, किम लिखसि त्वम चारुलता जी। हम लिखामि संस्कृतम, हाँ वही आएगा। हाँ तो अब आप मुझसे कुछ पूछिए, इन दोनों में से कोई भी प्रश्न। त्वं किं लिखसि, अहम संस्कृतम लिखामि। एग्जैक्टली। बहुत अच्छा लगा आज तो मेरे ये को, ये फर्क मेरे को आपको नहीं समझ मालूम रहा था। है।
आगे पीछे अच्छा होता है वो मालूम पड़ा तभी से। हाँ हाँ, आगे पीछे वाला तो है ही। और जब हम त्वम के साथ या जब भी हम अपने सामने वाले से कुछ बात कर रहे हैं, त्वम, या इवन इसमें हम भवान भी बोल सकते हैं, भवान और दिक्कत भवती, वो भी मैं आपको बताता हूँ, भवान और भवती। पार्वती। तो लड़की है तो भवती, लड़का है तो भवान। उसमें क्या है कि सम्मान के साथ हम कहते हैं, क्योंकि जैसे त्वम जब आप बोल रहे हैं तो त्वम मतलब तुम, तो कई बार आपसे कोई बड़े हैं या तो हम त्वम नहीं बोलते ना, उनको सम्मान के साथ बोलते हैं। तो फिर इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हर वाक्य में हम सम्मान के साथ ही बोलें, तो हाँ किम लिखसी भवान या भवान किम लिखसी, ऐसे बोलेंगे तो फिर वो चाहे छोटा हो, चाहे बराबर का हो, चाहे बड़ा हो, सबके लिए वो काम में आ जाएगा। समय बराबर है। इसमें तो मुझे कोई कुछ याद आया, हम बोलते पुत्रवान भव लड़के को बोलते हैं और लड़की बहू को बोलते हैं पुत्रवती, हाँ पुत्रवती भव, हाँ पुत्रवान भव, पुत्रवान तो ये इसमें पुत्रवती। होता है ना भवान और भवती। हाँ वो अंदर से निकला, मेरे को मालूम नहीं था मैं क्या बोलूंगी, लेकिन मेरे को हाँ ख्याल आ गया है हाँ पुत्रवान नहीं भव हाँ अच्छा, मातृवान भव। हाँ अच्छा आपको याद आ गया, क्योंकि कोई कोई चीज़ जैसे आपको याद आती है तो फिर मैं भी उसको अपने एक किसी उदाहरण के लिए लिख लेता हूँ कि हमको भी आगे याद रहेगा, जैसे हम कभी किसी को यही चीज फिर से बता रहे हैं। आशीर्वाद देते हैं ना, हाँ मातृवान मातृवान भव, पितृवान भव, पुत्रवती भव, धर्मवती भव, समझ में आ गया। हाँ हाँ, तो यहाँ तक आपको समझा, अहम पठामि संस्कृतम, अहम लिखामि संस्कृतम, किम पठसि त्वम और किम लिखसि त्वम। अभी अहम वदामि संस्कृतम। अब वद का अर्थ, वद जो क्रिया है, आपको इसका अर्थ मालूम है? वदामि मतलब कि मैं बोलता हूं, ये बोलना है। तो अब मैं आपसे फिर एक प्रश्न करता हूँ, किम वदसि त्वम चारुलता जी, आपको आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही चारुलता जी, और वैसे अभी 1-2 मिनट में ये शायद डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो वो जो लिंक है मीटिंग की उसको फिर से उपयोग करके फिर से एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा मीटिंग में। आपकी आवाज मुझे तो नहीं आ रही है अभी। मैं आपको अनम्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ पर ये हो नहीं रहा है, तो आपको ही शायद करना पड़ेगा अनम्यूट, और आपको मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं बताइए। तो मैंने ये वाक्य बोला, अहम वदामि संस्कृतम मतलब मैं संस्कृत बोलता हूँ, तो पहले वाला था पठामि मतलब पढ़ता हूँ, लिखामि मतलब लिखता हूँ, और वदामि मतलब बोलना। और फिर मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, किम वदसि त्वम चारुलता जी, तो अभी आपको उत्तर देना होगा। अभी आई आवाज, मेरी आई आवाज। हाँ अभी आ रही है, और अभी 1-2 मिनट में ये अपने आप बंद डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो वो लिंक जो है मीटिंग की फिर से उसको यूज़ करके वापस ज्वाइन कीजिएगा। अच्छा।
वो 50 मिनट की लिमिट होती है मीटिंग में, तो इसलिए फिर से ज्वाइन करना अच्छा पड़ेगा। अच्छा ओके ओके। हाँ तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किम वदसि त्वम चारुलता जी? अहम वदसी संस्कृतम। वदसी या वदामी? एक मिनट। हाँ वदामि, अहम हाँ वदामि संस्कृतम। हाँ तो जब भी अहम का उपयोग है अपने खुद के ऊपर, तो वदामी लिखामी वो आपको ध्यान रखना होगा। अच्छा मैं लिख लेती हूँ, अभी नोट बनाती हूँ। हाँ आप कागज पेन पेंसिल कुछ साथ में रख के बैठ सकती हाँ हैं। कैसे रखूंगी मैं, कल हाँ रखूंगी। हाँ 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 तो मैं मेरे मन में याद है, मैं लिख लेती हूँ अभी। वैसे हाँ हाँ मेरे को आदत है लिखने की, हम प्रवचन पूरा लिखते हैं दादाजी का, पूरा लिखते अच्छा हैं। कल मिलेंगे तो वो भी लिखते हैं, कल मिलेंगे अच्छा तो लिखते हैं पूरा। बहुत बढ़िया। तो आप अपना वीडियो भी चला सकती हैं, यदि आपका कनेक्शन इंटरनेट का ठीक है तो आप वीडियो चालू रख सकती हैं, जैसे मेरा चालू है, आपको मेरा भी दिख रहा होगा हाँ शायद। मैं कल है ना, कल मैं कंप्यूटर पे बैठने वाली हूँ, और आज मेरे पास नहीं है कंप्यूटर अभी, तो ये वो मोबाइल से चला लिया। कल से बैठूंगी ऊपर, कल हाँ से मैं कंप्यूटर में ऊपर बैठ, मैं पैर दुखते तो ऊपर नहीं चलता, कल जाऊंगी। लेकिन कल है ना, कल 4 बजे का मेरा, 4 बजे फिर है से ना 4 बजे। कल भी। हाँ हाँ तो मैं कंप्यूटर में बैठूंगी, तो आप मेरा मुंह देख सकेंगे। बिल्कुल, और 7 बजे हमारा पहला वाला बैच भी चलता है, तो वो मोहा वाला, इसमें मोहा मोहा भी मोहा है। वाला बच्चा, हाँ मोहा जी वो भी है। मोहा है क्या, मेरी बहू है ना, उसकी हाँ बड़ी बहन है ना, मोहा की बड़ी बहन निशा नाम है उसका, वो मेरे लड़के की बहू है पूना में, तो बहू की बहन है मोहा। लेकिन मोहा से ज्यादा अच्छा परिचय था पहले, क्योंकि वो हाँ सर्विस का, बहू सर्विस में बात नहीं कर सकते, मोहा ही सब हाँ जो अरेंज कर किया था सब शुरुआत से। तो मोहा मेरी बेटी जैसी ही है, मेरे को बेटी नहीं है, 3 बेटे ही है, 9 लड़की, 3 बॉयज। अच्छा अब ये मोह, ये सब बहू आ गई, निशा नाम है, और ये मोहा उसकी बहन है, छोटी बहन है, अच्छा लेकिन वो मेरे को सब सिखाती है। मैंने मोबाइल लिया है तो उसे मेरे को हैदराबाद से ट्रीट किया, कैसे करने का, मैं अरे बोले वाह जीएम क्या, तो बोलते गुड मॉर्निंग, ऐसे मैंने पूरा उसने सिखाया सब कुछ मोहा ने। फिर दो बढ़िया। तीन बार मिले थे बार बाद में, फिर वो हाँ मुंडन किया था पोते का, मोहा के बेन बेन है, उसको लड़का है मेरा पोता, तो अच्छा मुंडन में तो मेरे को बहुत सिखाया था उसने उस दिन। तो हाँ मोआ जी तो बढ़िया, काफी सारे कक्षाओं में हाँ अच्छे से मोहा खूब सभी फ्री बोलती है ना, हैं, अभी शादी नहीं हुए तो वो कर सकती है सब कुछ, और तो मैं कभी फ्री भी हूँ, कर सकते मैं हैं कभी शादी होने से। भी कर सकती, लेकिन थोड़ी जिम्मेदारी आ जाए। मनुष्य गौरव लाया है, लाया है खुशियों का खजाना लाया है, मनुष्य गौरव दिन, अच्छा मनुष्य गौरव दिन। आज हमने ये गाया, बहुत मैं ये अच्छा, घर में तो अभी ये तो कोरोना की ये अभी वजह से आपको घर हर में दिन सभी गाना लोग है, कर रहे हैं। हाँ ये अभी आपको हर दिन करना है, नहीं, रोज अलग अलग है, किताब अलग अलग है। अच्छा में से जो पसंद आए वो, कलम जैसा गाना है, इसका दूसरा है। बहुत बढ़िया। तो अभी बहुत मैं सारे आपको एक गीत और हैं नई चीज लोकप्रिय। हाँ बताता हूँ बताइए बताइए। कि जब भी हम संस्कृत में किसी को संबोधन देते हैं तो महोदय और महोदया भी उपयोग कर सकते हैं। तो जैसे हम अभी पीछे ये जो प्रश्न कर रहे थे, किम पठसि त्वम, तो आप उसके साथ भी चारुलता महोदया या अंशु महोदय ये लगा सकती हैं। उस पे निर्भर अच्छा करता है कि लड़का है या लड़की किससे बोल रहे हैं। तो किम पठसि त्वम महोदय या किम लिखसि त्वं महोदया, इस तरह से, अच्छा तो उससे अपने आप पता चल रहा है कि आप सम्मान के साथ ही बात कर रहे हैं। तो ये भी उस तरह का है, भवान और भवती की तरह का, सम्मान के अच्छा साथ। सम्मान। और क्योंकि हिंदी में गुजराती में महोदय महोदया शब्द आपने वैसे भी सुना होगा, मतलब बाकी हाँ भाषाओं सुना में है, भी उपयोग होता है, तो इसलिए थोड़ा याद रखना भी आसान है। यदि भवान भवती
याद रखने में थोड़ी भी मुश्किल हो तो सीधे महोदय या महोदया का उपयोग कर सकते हैं आराम। अच्छा और फिर धीरे धीरे आदत हो जाती है लोगों से बात करने की, तब फिर एक की जगह चार शब्द हमको दिमाग में रहते हैं कि ये भी हम बोल सकते हैं, वो भी बोल सकते हैं, फिर वो ध्यान रहने लगता है अपने आप। तो अभी जैसे हमने ये दोनों तो सीख लिए कि अहम और त्वम, मतलब मैं और आप को यदि कुछ मुझे बोलना है तो मैं कब कहाँ पे क्या उपयोग करूँगा। अब मान लीजिए मुझे मैं और आप तो हो गए, तीसरा कोई है हमारे सामने, मुझे उसके बारे में कुछ बात करनी है या उसके बारे में कुछ बताना है, तो हाँ अभी जी मेरे पीछे यहाँ पे कृष्ण जी की मूर्ति है, कृष्ण जी हाँ की जी तस्वीर लगी हुई है, तो अब मैं उसको दिखाते हुए आपको बोलूँगा चारुलता जी सह कृष्ण, तो सह सह कृष्ण कृष्ण। तो अब अहम और त्वम तो आपको समझ में आ गए कि मैं और आप, लेकिन जब कोई तीसरा चीज़ है, तीसरा आदमी है या तीसरी लड़की है, तो सह कृष्ण, या फिर हम कहेंगे सा राधा। लड़की तो लड़की है लिए तो सा हाँ, और लड़का है तो सह। बराबर तो आप यदि कागज़ पेन साथ में है तो अभी आप लिख के भी देखते जाइए, और वैसे ये रिकॉर्डिंग मैं आपको भेजूंगा ही ग्रुप में थोड़े देर में, मेरे ख्याल से रात तक ही डाल पाऊंगा क्योंकि अभी शाम को एक और क्लास है, तो उसके बाद ही करूंगा फिर जो भी है। ओके ओके तो आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी और आपको ये भी मिल जाएगा, तो आपको जब भी चाहिए फिर से देखना है या फिर से सुन के देखना है, पढ़ के देखना है, तो आप अपना प्रैक्टिस भी कर सकती हैं बाद में। ओके थैंक्स थैंक्स किसी थैंक और यू को भी दिखाना है तो आप वो लिंक भेज दीजिए जो मैं ग्रुप में भेजूंगा, तो वो लोग भी देख सकते हैं, जिसको भी देखना है, कोई इसमें वो बंधन नहीं है। और फिर मान लीजिए उनको भी अपने कक्षा में ज्वाइन करना है तो आप उनको बता दीजिए, मुझसे बात कर लेंगे, तो कोई भी ज्वाइन हो ओके सकता ओके है। अभी तक एक कक्षा में हम 100 लोगों तक ले सकते हैं, तो अच्छा बड़ा नंबर है वो, तो जब जितने लोग आना चाहें आ सकते हैं आराम से। अच्छा अच्छा तो अब आप, आपके आजू बाजू कोई चीज़ है या कोई है जिसके बारे में आप ऐसे ये उपयोग करना चाहेंगी बोल के, सह कृष्ण सा राधा। और नॉन लिविंग के लिए भी चलता है ना। नॉन लिविंग के लिए आप सारा तत् बोलेंगी, अच्छा अभी वीडियो तो नहीं अभी है। सा तत् भक्ति बोल प्रार्थना सकती हैं आप। प्रीति किताब है ना, किताब है तत् प्रार्थना प्रीति। आप तो देख नहीं सकेंगे ना मेरे में है क्या आप वीडियो चला लीजिए ना, तो मैं देख लूंगा, कैसे चलाऊं मोबाइल में होता है। मोबाइल में वहाँ एक आप बस एक उंगली टच कीजिए तो एक कैमरा भी बना होगा कहीं पे छोटा सा नीचे, उस पे टच करेंगे तो वीडियो आ जाएगा। आपके फोटो में और नीचे का मोबाइल थी सर ऊपर और देखा ना वीडियो, यही दबा यही दबा। आप भक्ति को कहिए कि आपको भी सिखा दे। हाँ, सिखाया उसमें देखिए हाँ दिखाया दिखाना दिख रहा है दिख रहा है, प्रार्थना प्रीति। ऐसे सब हमारे सोच रहे हैं। ये हमारी टेक्स्ट बुक है रोज पढ़ने की, अच्छा सारा अच्छा प्रार्थना 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 स्तोत्र वेद भी है, ऋग्वेद अच्छा 40 श्लोक है, ऋग्वेद 40 श्लोक है बहुत बहुत हार्ड है बढ़िया। पढ़ने में, लेकिन हम देखते हैं तो भी। हाँ हाँ अब धीरे धीरे संस्कृत यदि पढ़ने समझना बढ़ जाएगा ना तो फिर वो वेद और सब समझ में आने उपनिषद लगते, वो आदत पड़ जाएगी। नारायण उपनिषद हाँ नारायण उपनिषद तो आप भक्ति की तरफ भी बोल सकती है कि सा भक्ति। खड़े इनके सही बताई जो मके मुझे कोई सा भक्ति हाँ सा
नमो नमः भक्ति। पर आपका चेहरा थोड़ा क्योंकि पीछे लाइट है ना, तो वो डार्क जैसा दिख रहा है मुझे। हाँ अभी समझा, अभी समझा। इसमें पवित्र नाट्यम किया है, विचार धो गए, सत्संग अरे वाह, बोस हो गया पूरा। उत्तमम उत्तमम, वो सेकंड बढ़िया। आया, हाँ पूरे इंडिया में सेकंड आई थी अरे वाह, आप भरतनाट्यम। लोग कहाँ पे रहते हैं चरुलता जी? बड़ौदा, बड़ौदा, बड़ौदा बड़ौदा। में। गुजरात। बड़ौदा ये जो मैं एक दो कंपटीशन बार थी आया ना हूँ। वो पूना में हुई थी, ये जो कंपटीशन जीती ना वो पूना में हुई अच्छा, थी, पूना में। तो भक्ति आप आई मालूम थी है ना पूना? आपको ना? हाँ आते हैं ना पूना, तो वेकेशन में आते हैं। अरे वाह, तो फिर मैं आप जब भी आता आएंगे है तो मुझे बता के आइएगा इस बार। आपके पास मेरा नंबर भी है, तो अच्छा, हम लोग दर्शन करेंगे, मिलेंगे। हम आके करेंगे ना, चलिए, अरे तो हम दोनों ही लोग करेंगे। चर्चा करेंगे। हमको आपसे इतना कुछ सीखने मिल रहा है अभी, जैसे आपने कुछ नई नई बातें बताई, वो पुत्रवान और पुत्रवती, तो आपके ज्ञान का भी यहाँ पे उपयोग होगा। चलिए, तो उनका बहुत टाइम है, बहुत अभी आज का समय अच्छा लगा। हो गया है चारुलता जी, तो हम फिर से मिलेंगे, और जब भी हम हाँ, जाएंगे तो कहेंगे पुनः मिलामः। पुनः मिलामः, मैं यहाँ पे लिख पुनः भी देता हूँ। मिलामः। हाँ, पुनः आवजो, मिलामः, गुजराती में आवजो, फरी आवजो मरसू। गुजराती में। आवजो, मोदी की भाषा सीखो, मोदी की भाषा सीखनी चाहिए गुजराती। हाँ नहीं, आवजो तो मुझे समझता है, गुजराती मुझे काफी समझती है। और चलिए, अच्छा है, आपसे थोड़ा थोड़ा सीखने भी मिलेगा, तो वो भी सीख लेंगे थोड़ा थोड़ा। नमस्कार, चलिए, नमो नमः भक्ति नमो नमः, चारुलता नमो जी, नमः। नमस्कार।